Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Garima and I'm back with today's video. आज के वीडियो में हम सोफा थ्रोस के बारे में बात करेंगे. सोफा थ्रोस का जो ट्रेंड है वो इंडिया में रिसेंटली आया है और लोगों के मन में अभी भी कंफ्यूजन है कि सोफा थ्रोस का यूज क्या है, क्या हम उसको सिर्फ ठंड के वेदर में ही यूज कर सकते हैं. तो आज के वीडियो में मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं आपके इन सारे क्वेश्चन को आंसर कर सकूँ और आपके मन में जितने भी कन्फ्यूजन है मैं उनको दूर कर सकूँ. वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और हमारी फैमिली को ग्रो करने में हेल्प करिए. आज के वीडियो को मैंने तीन सेक्शंस में डिवाइड किया है. पहले सेक्शन में हम बात करेंगे सोफा थ्रो के यूज के बारे में कि कैसे आप सोफा थ्रो को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और सेकेंड पार्ट में हम स्टाइलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या अलग अलग स्टाइल्स हैं सोफा थ्रो को यूज करने की आपके काउच के ऊपर और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे परचेजिंग के बारे में कि आप सोफा थ्रो को खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखें और आप कहाँ कहाँ से सोफा थ्रोस को खरीद सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट सेक्शन जहाँ पे हम बात करेंगे कि हम सोफा थ्रो को कैसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिविंग रूम में. वेस्टर्न कंट्रीज में लोग सोफा थ्रो को बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं. वहाँ का जो वेदर है वो मोस्टली ठंडा ही रहता है तो लोग वुलन और हैंडनीटेड थ्रोस को भी यूज करते हैं घर में और वो मोस्टली अपने काउच पे रखते हैं सोफा थ्रोस को कि इनकेस उनको ठंड लगे टीवी देखते वक्त या लिविंग रूम में बैठते टाइम तो वो झट से उसको ओढ़ के अपनी बॉडी को वार्म कर ले या फिर वो उसको सोफा के ऊपर बिछा देते हैं जिससे कि सोफा वार्म और कोजी बना रहे. समय के साथ बहुत से चेंजेस आए हैं थ्रो में और अब सोफा थ्रोस को और भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है तो हम उसी के बारे में बात करेंगे. सोफा थ्रो का एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज जो भर कर आया है सोफा थ्रो जो है वो आपके सोफा को गंदा होने से बचाता है. उसमें कोई अननेसेसरी स्टेन नहीं लगने देता है क्योंकि पहले के टाइम में अगर आपको याद होगा हम एक बहुत बड़े बड़े कवर्स यूज करते थे अपने मम्मी पापा के घरों में. अभी भी हम कुछ घरों में देखते हैं उनको बट उससे क्या होता है कि सोफा की जो ब्यूटी है वो खराब हो जाती है. लेकिन सोफा थ्रो को अगर आप यूज करेंगे तो आपका सोफा गंदा होने से भी बचेगा और खूबसूरत भी लगेगा. इसके अलावा अगर आप लेदर लाइक का सोफा यूज कर रहे हैं या फैब्रिक का ही सोफा यूज कर रहे हैं उसमें कोई स्टेन लगा हुआ है या कहीं से लेदर उखड़ रहा है वो गंदा लग रहा है देखने में तो आप सोफा थ्रो को बिछा दीजिए अपने सोफे के ऊपर और वो जो आपका एरिया है वो कंसील हो जाएगा, छूट जाएगा और आपका सोफा भी खूबसूरत लगेगा. इसके अलावा आप सोफा थ्रोस को आजकल बहुत ट्रेंड में देखेंगे क्योंकि लिविंग रूम के डेकोर में सोफा थ्रोस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने लगा है. आप सोफा थ्रो को यूज करके अपने काउच को अपने लिविंग रूम को एक बिल्कुल डिफरेंट लुक दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपका जो लिविंग रूम है वो थोड़ा सूदिंग कामिंग लगे तो आप लाइट कलर के सोफा थ्रोस को यूज कर सकते हैं. आप कोई फेस्टिव फीलिंग देना चाहते हैं अपने लिविंग रूम को तो आप ब्राइट कलर के सोफा थ्रोस को यूज कर सकते हैं. तो आप छोटा सा एक फर्निशिंग चेंज करके अपने लिविंग रूम को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. इसी वजह से सोफा थ्रो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है. पहले हम सिर्फ कुशन कवर्स को चेंज करते थे बट अब सोफा थ्रोस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लिविंग रूम के डेकोरेशन में. एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी सोफा थ्रो के बारे में. हम काफी लोग बोलेंगे कि सोफा थ्रोस तो बहुत महंगे होते हैं, उन्हें इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है. बट याद रखिए कि सोफा थ्रो को क्लीन करना इज मच चीपर एज कम्पेयर टू क्लीनिंग योर होल सोफा सेट. अगर आप पूरे सोफा को क्लीन करने जाएंगे कोई प्रोफेशनल सर्विस को यूज करेंगे तो कम से कम आपके 2 से 2.5 हज़ार लग जाएंगे. इससे अच्छा है कि आप सोफा थ्रोज में इन्वेस्ट करिए और उनको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहिए. तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड सेक्शन के बारे में जहां हम थ्रो स्टाइलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. मैं सैम्पल पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ वीडियो में जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और कैसे स्टाइल करना है थ्रोस को. तो जो पहला स्टाइल है वो है सिंपल स्टाइल. ये स्टाइल हमको तब यूज करना होता है जब हम अपने सोफा को गंदा होने से बचाना चाहते हैं या फिर कोई डैमेज्ड या कोई उधरा हुआ एरिया जिसको हम छुपाना चाहते हैं. इस केस में ये स्टाइल बहुत काम आता है. इसमें आपको सिंपली अपने जो बैठने वाले एरिया को कवर कर देना है थ्रो को यूज करके. गंदा भी नहीं होगा और अगर कोई स्टेन है या फिर कोई डैमेज एरिया है वो भी छुप जाएगा. मेरी छोटी सी बेटी है 16 महीने की, वो अक्सर सोफे पे कुछ ना कुछ खाने की चीज गिरा देती है तो मैं सोफा थ्रोस को हमेशा बिछाए रखती हूँ अपने काउच के ऊपर जिससे कि वो गंदा ना हो. वो मेरे रूम को एक अलग लुक भी देता है. जैसा कि मैं थीम फॉलो कर रही होती हूँ जैसे समर में कोई ब्राइट कलर यूज कर लिया
या फिर मैं कुछ सूदिंग लुक लेना चाहती हूँ तो डाइट कलर यूज कर लिया, उसके हिसाब से मैं थोड़ा उसको चेंज करती रहती हूँ। तो ये तो एक तरीका हो गया। सेकेंड तरीका है मेसी स्टाइल। मेसी स्टाइल ये होता है जब आप अपने लिविंग रूम को या काउच को एक रिलैक्स्ड और कूल लुक देना चाहते हैं। इसमें आपको सिंपली सोफा जो थ्रो है उसको एक कॉर्नर में ऐसे बिछा देना होता है, एक जैसे लगता है कि सिर्फ पड़ा हुआ है। और उससे क्या होता है कि आपको अगर आप कलर पॉप देना चाहते हैं या आपने आपका सोफा डल लग रहा है उसको थोड़ा सा आप लाइवली बनाना चाहते हैं, वाइब्रेंट बनाना चाहते हैं, उस केस में आप मेसी स्टाइल को चूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कॉर्नर में आपका कोई स्टेन है उसको छुपाना है तो उस केस में भी आप मेसी स्टाइल को यूज कर सकते हैं। मेसी स्टाइल जो है वो थोड़ा सा इंडिया में पॉपुलर नहीं है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो जैसे लग रहा है कोई कपड़ा सा पड़ा हुआ है, बट आप कभी कभी ट्राई कर सकते हैं, मेसी स्टाइल भी अच्छा लगता है कभी कभी देखने में। और थर्ड स्टाइल जो है उसको बोलते हैं वाटरफॉल स्टाइल। वाटरफॉल स्टाइल में काफ़ी क्लीन लुक होता है और ये मोस्टली सोफा को और लिविंग रूम को एक डिफरेंट लुक देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम सोफा को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं और कोई भी चीज़ हाइड नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम थ्रो को यूज़ कर रहे हैं अपने काउच और लिविंग रूम को एक न्यू लुक देने के लिए। इसमें आपको थ्रो को अच्छी तरीके से फोल्ड करके डालना होता है, या तो आप उसको हाफ कवर करेंगे या फिर आप उसको एक छोटा सा फोल्ड देके बिल्कुल कॉर्नर में रख देंगे, या फिर आप सिर्फ उसको ओढ़ने के लिए यूज करना चाहते हैं तो उसके आप आर्म पे रख देंगे। तो ये है आपके तीन बेसिक स्टाइल सोफा थ्रोस को यूज करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको काफी सारी क्लैरिटी मिली होगी इस स्टाइल डिस्कशन के थ्रू। और अब हम मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट सेक्शन की ओर जहाँ पे हम परचेजिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सोफा थ्रोस को खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सोफा थ्रोस को खरीदते वक्त आपको तीन चीजें सोचनी होंगी, आपका बजट क्या है, आप किस पर्पस के लिए सोफा थ्रो को खरीद रहे हैं और मौसम क्या है। जैसे कि अगर आप गर्मियों में सोफा खरीद रहे हैं तो आप वुलन और निटेड सोफा थ्रोस तो बिल्कुल नहीं लेंगे और वहां पे डालने का कोई मतलब भी नहीं है पैसे। और अगर आपको लगता है कि आप साल भर सोफा थ्रोस को नहीं खरीदना चाहते, सिर्फ एक ही सोफा थ्रो रखना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप कॉटन के सोफा थ्रोस में इन्वेस्ट करें क्योंकि वो हर वेदर में चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको ठंड में नहीं यूज कर सकते, वो भी आपको लाइट प्रोटेक्शन देगा सोफा थ्रो जो आपका कॉटन का है। तो आपके ऊपर है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं सोफा थ्रोस में। आप चाहते हैं कि मैं कॉटन के ही तीन चार सोफा थ्रोस ले लूँ तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप सोफा थ्रो को यूज किस लिए करना चाहते हैं। जैसे अगर आप अपने सोफा को कवर करने के लिए थ्रो का यूज करना चाहते हैं तो आपको बड़े थ्रो में इन्वेस्ट करना होगा, और अगर आप सिर्फ डेकोरेट करने के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप सिंगल छोटा सा थ्रो ले सकते हैं जो काफी चीप आता है। तो वो आपके ऊपर है, आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप सोफा थ्रो को किस लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और याद रखिएगा कि जो मटेरियल है वो अच्छा हो, या तो कॉटन का हो या फिर वुलन टच का हो। कोई और सोफा थ्रो यूज करेंगे आप या फिर बहुत पतला सोफा थ्रो यूज करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बहुत पतले सोफा थ्रो को अगर आप सोफे पे बिछा देंगे तो वो बैठने पे खिसकना शुरू कर देगा। तो मेरे हिसाब से बहुत पतले सोफा थ्रोज में इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं है। या फिर आप सोच रहे होंगे कि मैं स्टोल को बिछा दूं सोफा थ्रो पे की जगह, तो वो काम नहीं आएगा क्योंकि जैसे आप बैठेंगे वो स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। सोफा थ्रो का काम सोफा थ्रो ही कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं आप कहाँ कहाँ से सोफा थ्रोज खरीद सकते हैं। आप सोफा थ्रोज खरीद सकते हैं amazon.com से। वहां आपको कम से कम 50 ऑप्शन मिलेंगे सोफा थ्रोज के। फ्लिपकार्ट पे भी आप देख सकते हैं सोफा थ्रोज पे बहुत अच्छी अच्छी डील आती है। मैंने वहां पे 350 से 400 रुपए तक के भी मिनिमम सोफा थ्रोज देखे हैं जो कि बहुत सुंदर हैं। इवन आइकिया के सोफा थ्रोज भी मिल रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं flipkart.com पे। मैंने सबसे पहला थ्रो zofaa.com से लिया था जब इंडिया में थ्रोज उतने इजीली अवेलेबल नहीं थे। वो सोफा थ्रो आज से मैंने 4 साल पहले लिया था और 1600 रुपीज़ का था। इतने सालों से वो बिल्कुल अच्छी हालत में चल रहा है। मैंने इसको हजारों बार वॉश किया है, अलग अलग जगह यूज़ किया है। मेरी बेटी सुबह डेली कुछ ना कुछ खाना गिराती है, मुझे बार बार धोना पड़ता है, फिर भी वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। तो आप zofaa.com भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक वेबसाइट से मैंने रिसेंटली खरीदना स्टार्ट किया है, मुझे उनका मटेरियल बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट इस विंग चेयर पर भी मैंने उन्हीं का थ्रो बिछा रखा है। ये थ्रो लिया है मैंने throwpillow.in से। इनके पास थ्रो का बहुत वास्ट कलेक्शन है, आप आराम से चूज कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। और इनकी डिलीवरी भी काफ़ी स्मूथ है और बहुत वास्ट कलेक्शन है, आप अलग अलग कलर्स अलग अलग टेक्सचर्स अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मैंने आपके
बहुत सारे थ्रो रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर किया हो और आपको आप सोफा थ्रो को यूज करने में कोई कंफ्यूजन ना हो और आप हेजिटेट नहीं करेंगे सोफा थ्रो को इन्वेस्ट करने में. और इसके अलावा अभी भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है देन प्लीज डू फील फ्री टू कॉमेंट ऑन दिस वीडियो. आप इस वीडियो पर कॉमेंट करिए अपने क्वेश्चन को और मैं आपको उसका तुरंत जवाब दूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेट्रो मॉम.